नमस्कार प्यारे दोस्तों कर लो स्वास्थ्य अपनी मुट्ठी में इस स्वास्थ्य माला के अंतर्गत मैं डॉक्टर दिलीप नलगे आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऋतु के अनुसार हमें अपना आहार विहार कैसा रखना चाहिए हर सीजन के हिसाब से कैसे हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं कौन से ऋतु में कौन सा दोष बढ़ जाता है किस प्रकार से उस दोष का प्रकोप होता है और उसको कंट्रोल में रखने के लिए उस अनुसार हमें अपना आहार विहार कैसे रखना चाहिए ये हमने ऋतुचर्या के अंतर्गत देखा मुख्य रूप से विहार की चर्चा जो हम कर रहे थे तो जैसे मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि हमें स्वस्थ रहने के लिए भी और बीमार करने के लिए भी चार चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो है हमारा आहार विहार आचार और विचार तो जैसे मैंने आहार और विहार की बात की ऐसे हमारा आचरण जो होता है जिसको हम कहते हैं बिहेवियर ये बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्वस्थ रहने में भी, भी और हमें बीमार करने में भी तो उसी के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि हमारा जो आचरण है वो कैसे हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है क्योंकि देखिए जैसा हम दूसरों से व्यवहार अपेक्षित करते हैं वैसा व्यवहार हमें पहले करना जरूरी होता है क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे एज यू सो सो शैल यू रीप तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमसे अच्छा व्यवहार करें दूसरे हम अच्छे दूसरे लोग हमसे अच्छा बिहेव करें तो उसकी शुरुआत हमें स्वयं से करना बहुत ज्यादा आवश्यक है और इसीलिए आचरण को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है आयुर्वेद में आयुर्वेद में यहां तक कहा गया है कि आचरण एक रसायन के जैसा काम कर सकता है रसायन क्या होता है रसायन वो औषधि होती है जो हमें जल्दी बूढ़ा नहीं होने देती है जो हमें ज्यादा समय तक युवा बनाए रखती है हमारे आयु को दीर्घ बनाती है स्वस्थ बनाती है तो क्या आचरण भी हमारे लिए ऐसा काम कर सकता है जी हाँ दोस्तों हमारा आचरण भी हमारे लिए इस प्रकार का काम कर सकता है तो हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए इसका बहुत ही सुंदर विवरण आचार रसायन के अंतर्गत आयुर्वेद में दिया गया है वहां पर यह बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालती है उसका मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बताना चाहूंगा उसमें सबसे पहली जो लाइन है आचार रसायन में वो ये बताया है सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्य मैथुनाथ हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए सत्य व्यवहार करना चाहिए हमें दूसरों के साथ और स्वयं के साथ भी सत्य रहना चाहिए कहते हैं सच तो बिठू नच ऐसा भी कहते हैं कि सच की नाव हिलेगी डूलेगी लेकिन डूबेगी नहीं इसीलिए सत्यता का बहुत ही महत्व है जब हम सत्य व्यवहार करते हैं लोगों के साथ सच्चाई सफाई से रहते हैं तो उसका निश्चित रूप से हमारे मन के ऊपर हमारे तन के ऊपर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर उसका बहुत गहरा और अच्छा असर पड़ता है कहा जाता है कि जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है तो धीरे धीरे उसको एक वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो सत्यवादिनम ये सबसे पहली बात बताई है सत्यता दूसरा जो गुण बताया है वो आचार रसायन के अंतर्गत वो बताया है अक्रोधम अक्रोधम माना हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए हमको शांत रहना चाहिए प्यारे दोस्तों आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि हम जब गुस्सा करते हैं तो उसका सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर होता है सामने वाले पर होता है या हमारे ऊपर होता है सामने वाले तो है कभी कभी असर होता है नहीं भी होता है ये तो एक रिसर्च का विषय है लेकिन हमारे ऊपर उसका असर जरूर होता है इसके बारे में काफी रिसर्च भी की गई है कि कैसे गुस्सा करने वाले का उसके हार्ट के ऊपर असर होता है एक बार हम गुस्सा कर लेते हैं तो कहा जाता है कि 72 टू आवर्स तक उसका असर हमारे शरीर में चलता रहता है वो सारी जो रिएक्शंस है वो आगे एक के बाद एक एक के बाद एक चलती रहती है माना एक बार हमने गुस्सा किया माना तीर जो है वो निकल गया कमान से अभी कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए गुस्सा करने से पहले ही हम सोचे कहा जाता है पहले तोलो फिर बोलो सोच समझ कर बोलो ऐसे बोल ना बोलो जिससे किसी को बहुत ज्यादा दुख हो किसी को बहुत ज्यादा हानि हो इसीलिए ये बात हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि हमें अपने आप को शांत रखना चाहिए सबके साथ बहुत प्रेम से व्यवहार करना चाहिए क्योंकि गुस्सा नहीं आए ये सबसे अच्छी बात है गुस्सा आने के बाद उसको कंट्रोल करना वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन गुस्सा आए ही नहीं क्या ऐसा पॉसिबल है जब मैं आयुर्वेद पढ़ता था तो मुझे ये बात तो बहुत डिफिकल्ट लगती थी कि ये कैसे पॉसिबल है इन्होंने लिख तो दिया लेकिन प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है लेकिन जब मैं ये राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने लगा ध्यान मेडिटेशन करने लगा तो मैंने महसूस किया कि डेफिनेटली हम इसको अचीव कर सकते हैं धीरे 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 हमारे अंदर परिवर्तन आने लगता है माना चलो शुरू शुरू में तो हमारा गुस्सा बहुत बड़ा होता है और बहुत तेज होता है लेकिन फिर जैसे जैसे हम रियलाइज करते हैं तो उसका प्रमाण धीरे धीरे कम होते होते एक लेवल ऐसी भी आती है कि हमारे हमें गुस्सा आता ही नहीं है क्योंकि गुस्से के अपोजिट क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप हो जाती है तो गुस्से की अपोजिट क्वालिटीज कौन सी है तो वो है प्रेम शांति और दया रहम की भावना प्रेम की भावना शांति का गुण तो ये जब हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं डेवलप हो जाते हैं मेडिटेशन करने से तो अक्रोधम का भी हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं तो सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मद्य मैथुनाथ अब देखिए मध्य का सेवन ये तो एक अपने आप में अलग विषय हो जाएगा लेकिन मध्य का सेवन करने से कितने लोग कितने परिवार बर्बाद हो गए हैं लोग चाहते हैं कि हम मद्यपान की आदत को छोड़ें, लेकिन चाहकर भी छोड़ नहीं पाते हैं तो ये एक सामाजिक समस्या का इसने रूप धारण कर चुका है तो इसीलिए मद्यपान जो है ये भी अगर हम इससे छूट जाते हैं अपने मन को जब हम सशक्त बनाते हैं इतना अपने मनोबल को ऊंचा उठाते हैं मनोबल को बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से हम इस गंदी आदत से छूट सकते हैं और जब हम इस आदत से छूट जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका बहुत अच्छा असर हमारे हेल्थ पर पड़ता है क्योंकि सभी जानते हैं कि मद्यपान करने से क्या होता है एक तो सबसे पहले लीवर जो है वो हमारा पूरी तरह से और बुरी तरह से डैमेज हो जाता है उसका एक एक सेल जो है वो नुकसान उठाता है तो इसलिए प्यारे दोस्तों आप में से अगर कोई भी ऐसे हैं जो मद्यपान को छोड़ना चाहते हैं और चाह कर भी छोड़ नहीं पाते हैं तो मैं आपको भी यही कहूंगा कि आप अगर अपने आप को सशक्त बनाएंगे राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस गंदी आदत से छूट सकते हैं तो निवृत्तम मध्य मैथुनात, तो निवृत्तम मैथुनात मैथुन सेक्सुअल इंटरकोर्स को कहा जाता है तो इसके विपरीत माना जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं जहां आयुर्वेद में भी ये बात क्लियरली बताई हुई है कि केवल अपत्य प्राप्ति के लिए ही मैथुन क्रिया की जानी चाहिए उसके अलावा हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए इसमें आयुर्वेद में तीन जो उपस्तंभ बताए हैं उसमें से दो उपस्तंभ की चर्चा तो मैं कर चुका हूँ एक तो है आहार दूसरा है नींद और तीसरा है ब्रह्मचर्य क्योंकि ब्रह्मचर्य करने ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होता है तो हमारा जो सातवा धातु है शुक्र धातु जिसको बनाने में शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि देखिए आहार रस जो आहार हम सेवन करते हैं उससे पहले तो आहार रस बनता है उस आहार रस से रस धातु का पोषण होता है फिर वो रस धातु रक्त धातु का पोषण करता है रक्त मेद का मेद मांस का मांस अस्थि का अस्थि मज्जा का और मज्जा शुक्र का तो शुक्र का पोषण होते होते या शुक्र का निर्माण करने के लिए शरीर को लगभग एक महीने का समय लगता है ऐसा सुश्रुत संहिता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है तो जिसको निर्माण करने में जिसको तैयार करने में शरीर को एक महीने की मेहनत लगी है उसको अगर हम इजीली ऐसे ही खो देते हैं वेस्ट कर देते हैं खर्च कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके रक्षण से जो अगला धातु बनने वाला है जिसको ओज कहते हैं वो ओज धातु बन नहीं पाता है और ये ओज धातु हमारी इम्यून सिस्टम का काम करता है हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रद, प्रदान करता है और कई सारी बीमारियों से हमको बचाता है तो इसीलिए ये बात भी हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है तो ये पहले लाइन में आचार रसायन में बताया है सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्यम मैथुनाथ उसके बाद की जो लाइन है उसमें कहा है अब अहिंसा अहिंसा तो अहिन्सा की जब हम बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि भाई हम तो हिंसा बिल्कुल नहीं करते हैं हम पूरी तरह से शाकाहारी है शाकाहार का सेवन करते हैं लेकिन हिंसा केवल स्थूल नहीं है सूक्ष्म भी तो हिंसा है हमारे कर्म के द्वारा हमारे वाणी के द्वारा और हमारे मन के द्वारा भी अगर किसी को कष्ट पहुंचता है तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है तो हमारे मन वाणी और कर्म के द्वारा किसी को भी कष्ट ना पहुंचे किसी को भी दुख ना पहुंचे ये स्टेज भी हम हासिल कर सकते हैं तो अहिंसकम उसको कहा है अनायासम अनायासम माना बिना कोई परिश्रम बहुत ज़्यादा किसी चीज के पीछे परिश्रम नहीं करना जो अनायास मिल रहा है जो इजीली अचीव हो रहा है वो अचीव कर लेना और उसमें संतुष्ट रहना क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोग इतना दौड़ते रहते हैं दौड़ते रहते हैं दौड़ते रहते हैं एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और देखते हैं अरे इसके पास ये चीज़ आई तो मेरे पास भी आनी चाहिए इसने ये हासिल कर लिया तो मुझे भी करना है और ये कॉम्पिटिशन के चक्कर में अपने स्वास्थ्य की जो है वो पूरी तरह से स्वास्थ्य को गंवा देते हैं तो इसीलिए ये बात भी हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि जो इजीली हम कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करते हुए हम कर सकते हैं उसको हमें करना चाहिए उसको ही कहा है अनायासम अहिंसकम अनायासम प्रशांतम प्रशांतम प्रकर्षेण शांतम जो बहुत शांति का अनुभव करते हैं अपने जीवन में क्योंकि शांति हमारा ओरिजिनल नेचर है हमारा ओरिजिनल गुण है जब हम अपने अंदर जाते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि अरे कितनी शांति है हम जिस शांति को बाहर ढूंढ रहे होते हैं वो वास्तव में हमारे ही अंदर मौजूद होती है तो जब हम अपने गहराई में जाते हैं अपने अंतर मन में जाते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि अरे जिस शांति को हम बाहर ढूंढ रहे थे वो तो मेरे भीतर ही मौजूद है तो इसीलिए जब हम अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाते हैं और उस शांति के सागर परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम इस प्रशांत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं जिसको कहा है प्रकर्षेण शांतम तो इस तरह से जब हम प्रशांत हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जितना हम साइलेंस में रहते हैं शांत में रहते हैं उतना हमारी बॉडी की जो हीलिंग एनर्जी है वो इम्प्रूव हो जाती है और बहुत अच्छी तरह से काम करने लगती है क्योंकि हमारे बॉडी में नेचुरल हीलिंग एनर्जी मौजूद रहती है वो अपना काम करती रहती है लेकिन उसके लिए हमारा शांत होना हमारे मन का शांत होना ये बहुत जरूरी होता है प्रशान्तं, प्रशान्तं के बाद जो अगली बात है वो है प्रियवादीनम, कहा भी जाता है किसी से भी बात करनी है तो कैसी बात करो प्रिय बोलो जैसे कहते हैं ना कि सत्य बोलो सत्य के साथ साथ प्रिय बोलना भी जरूरी है कई लोगों को क्या होता है कि मैं सत्य हूँ इस बात का इतना नशा चढ़ जाता है कि वो कहते हैं कि नहीं मैं सही हूँ आप गलत हो तो वो जो ईगो क्रिएट हो जाता है तो दूसरों से प्रिय बात नहीं कर पाते हैं बहुत अप्रिय बातें करते हैं और उनके बुद्धि में ये रहता है कि नहीं मैं तो सच्चा हूँ मैं तो सत्य मार्ग पर चल रहा हूं लेकिन नहीं सत्यता के साथ साथ नम्रता का होना भी बहुत जरूरी है और इसीलिए हमें प्रिय बोलना ये गुण भी धारण करना चाहिए कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो सत्य बोलो सोच कर बोलो तो ये सारी जो बातें हैं बोलने से संबंधित अगर हम इनको अपने जीवन में धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आचार रसायन से हमें अपने जीवन में कई सारे बेनिफिट्स होने लगते हैं ये तो मैंने केवल पहले दो दो लाइंस के बारे में बताया अभी आगे के एपिसोड में इसके बारे में और अच्छी तरह से विस्तार से आपको बताएंगे कैसे हमारा आचरण हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और हमें हेल्दी रहने में भी मदद करता है तो प्यारे दोस्तों आपके लिए यही हमारी शुभ भावना और शुभकामना है आप सदा स्वस्थ रहे मस्त रहे खुश रहे प्रसन्न रहे इसी शुभ भावना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया ओम शांति